एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ नेहा, कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं डॉग स्टैंड अप कॉमेडी बाय आकाश गुप्ता। तो मतलब आकाश गुप्ता जो है तो ही इज लाइक नाउ ही इज टेलिंग अबाउट मतलब डॉग्स के बारे में, कुत्तों के बारे में। बेसिकली हम हिंदी में बोले तो नॉट इट गाली नहीं है, अरे हमारा एनिमल को ना, आई मीन एनिमल का नाम है जैसे हमारे ह्यूमन बींग, इट्स लाइक द डॉग। तो आज हम देखने जा रहे हैं डॉग स्टैंड अप कॉमेडी बाय आकाश गुप्ता। इनका पहले हमने कोई लाइक स्टैंड अप नहीं देखा था, तो मैं भी लाइक फर्स्ट टाइम सीइंग लाइक आकाश गुप्ता की कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी। तो हाउ दिस इज गोइंग टू बी, तो हमने जैसे पहले वाले जो हमने अनुभव सिंह बसे का देखा था स्टैंड अप कॉमेडी, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था लिटरली। मतलब वैक्सिंग इज माई फेवरेट वन, वी कैन से फ्रॉम दोस थ्री वन। तो मतलब ये वाला कुछ अभी नया, मतलब नए क्रिएटर फ्रॉम द स्टैंड आर्टिस्ट फ्रॉम स्टैंड अप कॉमेडी। तो डॉग्स बाय आकाश गुप्ता, हाउ दिस इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा गेमिंग चैनल है नाइट किंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा प्यारा सपोर्ट दिखाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी ना लाइफ में बहुत चीज़ों से फटती है, जिसमें से एक है कुत्ते। कुत्तों से बहुत डर लगता है मुझे, पर मुझे ना कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारी बनने नहीं वाली है। तो तू अपने स्पेस में रह, मैं अपने स्पेस में रहता हूँ। ये प्रॉब्लम है कुत्ते पालने वाले लोगों से, क्योंकि ये मानना ही नहीं चाहते कि किसी इंसान को कुत्ते से भी डर लग सकता है। ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते यार, और क्योंकि ये जब कुत्ता पालते हैं इनका तो उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है ना, ये हमारे घर का हिस्सा है, खबरदार इसे कुत्ता बुलाया, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे तीन बच्चे हैं, राहुल, अक्षय, शैम्पू। मैं ठीक है, आपका बच्चा, आप खुश रहे। मतलब प्रॉब्लम होती है जब ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनके इस रिश्ते को समझूं और शैम्पू के परिवार का हिस्सा भी बन जाऊं, जो मैं नहीं बनना चाहता। मेरी मासी है, उनके पास है ये शैम्पू, तो मैं जब भी उनके घर जाता हूँ ना, वो कुत्ते को मेरा कजन बताती हूँ। मैं अंदर घुस रहा हूँ और कुत्ते से अजीब तरीके से बातें कर रही है, शैम्पू आकाश भैया आए हैं आपके ब्रदर, हेलो बोलो भैया को, शैम्पू शैम्पू मामा गेटिंग एंग्री शैम्पू। और शैम्पू वहां बैठा हुआ कह रहा है मैं कुतिया हूँ। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मली बात करो, बाकी बेटों के साथ कर रहे हो आप ये सब। यार वो प्यार में अंधी है उसके यार, उस दिन कहती शैम्पू जाओ आकाश भैया को घुमा लो। और मैं इस पे भी जज नहीं करता उन्हें यार, पर एक लेवल पे इनका प्यार इतना अंधा हो जाता है कि ये अपने कुत्ते की कोई गलती ही नहीं मान सकते, ये एकदम ही डिनाइल में चले जाते हैं। आप कभी भी इनको जाके बोल दो कि आपके कुत्ते ने मुझे तंग किया, कौन, हमारा कुत्ता है, हमारा कुत्ता, हमारा डॉगी किसी को कुछ नहीं कहते, मुझे तो लगता है तुमने ही कुछ किया होगा। वो तुम पे ब्लेम डाल देते हैं यार, मेरी कॉलोनी में भी ऐसे लोग हैं, वो ना रात को 12 बजे कुत्तों को पॉटी कराने निकलते हैं, 250 ग्राम का बंदा और 250 किलो का कुत्ता घुमा रहा है, कुत्ता हाथ से छूट रहा, नहीं संभल रहा है, वो पट्टे को भी ना मांझे की तरह हाथ में 4 बार ले रखा है ऐसे, पर मानेंगे नहीं, नहीं बेटे कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह, कुछ कह नहीं रहा। मैं आंटी आपको देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और जो चिकन उसे डाल रहे हो पहले खुद खाओ, आपको ज्यादा जरूरत है, फिर मुझे ब्लेम करिए, तुम डाल रहे हो, तुम खड़े रहो, कुछ नहीं, तुम खड़े, कुछ नहीं कह, कुछ तुम डरा रहे हो बेटे, तुम डरा रहे हो बेटे, मैं कहा मैं डरा रहा हूँ, मेरा घुटना उसके मुंह में, मेरी निक्कर फाड़ दी उसने, और वो मैं जीन्स के अंदर पहन के आया था, आप मुझे बताइए मैं कब डर सकता हूँ। लोग मानने नहीं चाहते कि कुत्तों से डरना एक लेजिट डर है यार, और आप देखो मार्केट में बाकी फोबियास को कितनी इज्जत मिल रही है, कोई एक पार्टी में बोल दे एक्चुअली मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ओह रियली, यू नो व्हाट, लेट्स टेक द स्टेयर्स, लिफ्ट में आपको थोड़ा फील होगा, और हमने उबर बुला लिया, हम अंदर बैठेंगे, तुम्हें कैरियर पे बांधेंगे, खुले खुले जाओ, अरे आपका वॉशरूम भी बहुत छोटा था, हॉल में मुंह दो मेरे, क्या प्रॉब्लम है मुंह दो,
और यही मैं किसी को जाके बोल दूं कि यार मुझे भी है कुत्ता फोबिया. सिंपथी इज्जत छोड़ो, लोग जज करते हैं. आकाश हाउ इनसेंसिटिव, हाउ कैन यू नॉट लाइक डॉग्स. मैं कहा इसका आंसर मेरे पिछवाड़े पे है. काफी लंबा आंसर, 8 marks का विद डायग्राम. मैं आंटी इतना गहरा आंसर था कि आज की डेट में मेरे 2 assholes हैं. Oh my God. देखना चाहेंगे आप आंसर हैं? तो इस पे कमबैक होता है तो क्या हुआ, काटा ही तो है. तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इसके आगे भी कुछ होता है क्या? खैर बेटे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो. हमारा कुत्ता हमें 7 बार काट चुका है. मैं कहा तो रखा क्यों, वफादार वो है कि तुम हो? ये कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हो? जस्ट ग्रो अप एंड मूव ऑन. जाओ सड़क पे और कुत्तों से मिलो. तो इसलिए मैंने रियलाइज किया मैं इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता हूं. तो मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता जहां कुत्ते होते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं यार कोई मेरे लिए अपने कुत्ते को बांध दे या उसको रूम में बंद कर दे. पर फिर यही लोग इंसिस्ट करते हैं मुझे कि अरे काम ना. मेरी माँ से हमेशा, अरे काम, he'll do nothing. Trust me, he'll do nothing. Trust me. तो मैं उनके ट्रस्ट पे चला जाता हूँ. मुझे लगता है नथिंग होगा. मैं दरवाजा खोलता हूँ, घुस ही जा रहा मेरे अंदर. हाँ, मासी, और अगर खड़े रहो कुछ नहीं होगा. Give it some time, खड़े रहो. वो उसे नहीं रोक रही, वो मुझे पकड़ रही है. ये कैसा अब्यूज हो रहा है मेरे साथ? मैं तुम्हारे घर घुस के तुम्हारा कुत्ता जबरदस्ती चाटने लग जाऊंगा तो तुम मुझे रोकोगे ना, या तुम उसे पकड़ लोगे? शैम्पू बैठे रहे हो, काश भैया चाट रहे हैं. भैया को चाटने दो शैम्पा. शैम्पा वो पकड़े खड़े में, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्यार है इसका. मैं कहा माँ से मेरी छाती छील दिया उसने. कैसा वाइल्ड लवर है शैम्पू. नहीं नहीं, एक सेकंड प्लीज, टेक अ डीप ब्रीथ. और प्यार प्यार लोग बोलते हैं, मैं उनको यार मत करो यार. YouTube पे लोगों को लगता है हमने पैसे लेके बिठाया हुआ तुम्हें. जो ये वीडियो देख रहे हैं सच में हंस रही है. मैंने प्लांट नहीं किया इसको. एक कैमरा इनके मुंह पे मारे प्लीज. और प्यार प्यार लोग बोलते हैं, मैं कहा मासी प्यार आपके लिए, क्योंकि वो आपका कुत्ता है. मुझे तो डर लगता है ना यार, ऐसे तो आप मेरे घर आओ, मैंने अजगर पाल के रखा हुआ है. नहीं मैं भी खुला छोड़ दूंगा, जा मासी को बेटे. अरे क्या हुआ मासी, डंकी तो मार रहा है, प्यार है. घोट घोट, अच्छा घोट मासी को घोट ले, घोट ले. सुन कर देंगे प्यार से मासी की गर्दन आज. अजगू हिकिस हिकिस दे देंगे मासी को. यहाँ हिकिस क्या, क्या वो मासी थोड़ा जहरी तो है, बाद में शैम्पू चूस लेगा. Too much. This is literally, I say too much, man. I literally love this. तो मैं ये बोल सकती हूँ अभी लाइक फिलहाल के लिए, this is one of my what we can say favorites. हो क्या रहा है इसको? Okay. तो we can say this is one of my favorites till now. तो vaccine से भी ज़्यादा we can say I love this one. क्योंकि this all things are very much like relatable, you know, very much relatable. मुझे भी कुत्ते like phobia नहीं है, but हाँ देखिए phobia बोल सकते हैं. We can't even give another name. मतलब डर लगता है भैया, आई कॉन्ट हैंडल देम लाइक इन सच टाइम्स. जब किसी मतलब आते हैं तो सारा कभी बंदर रोमिंग, मतलब जिनके ओनर्स लेने आते हैं लाइक उनको घुमाने वॉकिंग पे, तो लाइक कभी कभी मतलब ऐसे ही जब शॉप जाते हैं तो मेरे पास आता है ऐसे प्लीज. तो ओनर बोलते नहीं बेटा कुछ नहीं होता, जस्ट स्टैंड ओवर दे. अरे यार मतलब डर लगता है, इट्स कमिंग इन माई एवरीवेयर. मतलब रोमिंग पैर के आसपास आप बोल रहे हो नहीं कुछ करेगा. अरे यार मेरे को डर लग रहा है ना, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरा डर है क्या? व्हाट शुड आई डू ऑन दैट मैम? आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, बट
होता है मतलब टू मच रिलेटेबल ओवर हियर राइट नाउ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं भी अवॉइड करती हूँ जाना है. अगर मेरे फ्रेंड्स के या कोई रिलेटिव के घर में कुत्ता हो तो नहीं जाना है भैया. मम्मी प्लीज डोंट इंसिस्ट, डोंट फोर्स मी लाइक गोइंग ओवर देयर, क्योंकि इट्स लाइक वन ऑफ द वी कैन से डेंजरस थिंग्स टू बी हैपनिंग. अगर मतलब मैं कुछ कर दूंगी उसको या तो वो मुझे कर देगा कुछ. लाइक वी डोंट हैव अ गुड रिलेशन इन बिटवीन. तो अच्छी बात है कि मेंटेन डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस कोविड के, दैट्स अ गुड थिंग. मतलब ये वाला जो लास्ट में जो बोला अज्जू गो एंड गिव अ की, वो बेस्ट पार्ट था. वी कैन से द बेस्टेस्ट पार्ट एवर एंड द बेस्ट थिंग एवर इन द कॉमेडी स्टैंड अप. वी कैन से आई जस्ट लाइक लव, आई वुड लाइक मतलब मैं पसंद करूँगी अगर मतलब ऐसे और भी ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी ये इनके देखने को मिले मुझे. मतलब इतने खतरनाक वाले आई जस्ट लाइक लिटरली लाइक डेड माई मैन. मतलब दिल जीत लिया वी कैन से, टू रिलेटेबल यार. तो दैट इज इट फॉर टुडे. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गाइस, प्लीज़ फॉलो दैट. थैंक यू.